जिस तरह से हम अपने बच्चों को कपड़े पहनना, ब्रश करना समेत बाकी सभी चीज़ों की अहमियत सिखाते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बढ़ रहे छेड़खानी के मामलों से उन्हें बचाने के लिए ये बेहद ही ज़रूरी है। गुड टच और बैड टच का मतलब है छूने वाले की नीयत। कोई शख्स आपको किस नीयत से छू रहा है या वो किस जगह किस तरीके से छू रहा है, इसी से पता लगता है कि वह गुड टच है या बैड टच। हालांकि इस बारे में बताने से पहले बच्चे को उसके शरीर के अंगों के बारे में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को समझाएं गुड टच और बैड टच के बारे में। उसे यह समझाने की ज़रूरत है कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। इसके साथ ही उसे ये भी समझाएं कि किसी के साथ भी नहीं चले जाना चाहिए, या फिर कोई अनजान व्यक्ति उसे कुछ खाने की चीज़ भी दे दे तो भी उसे वो अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। आप अपने बच्चे से खुलकर बात करें और इसके साथ ही आपके बच्चे के अंदर भी आपसे कुछ कहने की हिचक नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहे तो उसे डांट पड़ सकती है या फिर आप उसकी बात को अनसुना कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक टीचर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझा रही है। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी अनहोनी ना हो पाए। करता है और हमारे चेस्ट को टच करता है, हमारे इनर पार्ट को टच करता है और हमारे बटक को टच करता है, तो ये बैड टच होता है। जब आपको कोई इस प्लेस पे टच करता है तो आपको क्या बोलना है? नो, डोंट टच मी। और आपको दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाना है, दादा दादी मम्मी पापा या जिस पे आप फेथ करते, घर पे कोई बड़ा है उसको बताना है कि हमें इन्होंने बैड टच किया है। और आपको ये इस प्लेस पे कौन टच कर सकता है? आपके मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है। और स्कूल में आपकी मैट टॉयलेट कराती है, आपको चेंज कराती है तब, और आपके घर में कोई मेल है तो आपको ये अंडरवियर उतारती है तो कुछ नहीं बात होती है ना, ठीक है। ये होता है बैड टच। अभी हमने आपको बैड टच बताया ना, इनको जब आप बैड टच करते हैं तो ये अपना प्रिकॉशन अपनी सेफ्टी अपने आप कर लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? बार्क करते हैं, चिल्ला भौं भौं करते हैं, तो ये अपना प्रिकॉशन कर लेते हैं, है ना, कि मुझे बचाओ। तो हमें पता चल जाता है कि अभी डॉग को कोई हार्म कर रहा है ना। और टॉर्टोइस को भी, टर्टल को भी ऐसे ही है, वो शेल के अंदर चला जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। बटरफ्लाई भी फ्लाई करके चली जाती है। और आपको अपना प्रिकॉशन कैसे करना है? से नो, डोंट टच मी। कोई आपको ऐसे प्यार करता है आपकी चीज को, है ना, हेलो बेटा आपका क्या नाम है ना, ये सब होता है गुड टच। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं गुड टच। जो हमारा बाहर पार्ट है इसको अगर कोई हमारा टच करता है, हेलो चेक इन करते हैं, तो ये होता है गुड टच, ठीक है। सर आपको बोलते हैं ना हेलो हाउ आर यू, आपकी मैडम बोलती है हेलो बेटा, है ना, बोलती है ना मैडम, ऐसे कोई भी अंकल आंटी बोलते हैं, हेलो करते हैं, ये गुड टच होता है ना।